10 आईपीएल टीमें और 35 खिलाड़ी रिटेन होंगे। 25 खिलाड़ियों पे आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 3 खिलाड़ी को रिटेन करेगी, उनकी टॉप प्रायोरिटी है ऋषभ पंत 18 करोड़ रुपए में, परंतु एज ए कप्तान नहीं, एज ए प्लेयर ही वो ऋषभ पंत को रिटेन करना चाहते हैं। आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक नए कप्तान के रूप में उतरना चाहती है, एक नया कप्तान देखना चाहती है। इसके बाद में ये जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान नहीं होंगे आईपीएल 2025 में, ऋषभ पंत को एज ए प्लेयर ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम रिटेन करेगी, एक ट्वीट किया ऋषभ पंत ने और पूछा कि यार अगर मैं ऑक्शन में जाता हूँ तो कितने रुपए में बिकूंगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। तो क्या ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है? ऋषभ पंत क्या एज ए प्लेयर रिटेन हो जाएंगे? क्या ऋषभ पंत चाहेंगे कि वो किसी फ्रेंचाइजी की कप्तानी ना करे? क्योंकि ऋषभ पंत किसी और फ्रेंचाइजी में जाएंगे वो डायरेक्टली कप्तान बना दिए जाएंगे, इसलिए बड़ा सवाल है। अब दिल्ली कैपिटल्स तो ऋषभ पंत को एज ए प्लेयर रिटेन करना चाहती है, परंतु क्या ऋषभ पंत एज ए प्लेयर रिटेन होना चाहते हैं? ये एक बड़ी डिबेट बनने वाली, एक बड़ा दंगल बनने वाला है। अब इसका हल दिल्ली कैपिटल्स को निकालना होगा, क्योंकि अगर वो कप्तान नहीं बनाना चाहते ऋषभ पंत को तो शायद हो सकता है कि फिर ऋषभ पंत रिटेन ना हो, परंतु एज ऑफ नाउ एज ए प्लेयर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की टॉप प्रायोरिटी है। अब ऋषभ पंत को कन्विंस किया जाएगा, ऋषभ पंत कन्विंस होते हैं या नहीं होते हैं कि एज ए प्लेयर आप रिटेन हो जाओ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा दूसरा रिटेंशन अक्षर पटेल 14 करोड़ रुपये में और कुलदीप यादव 11 करोड़ रुपए में रिटेन होंगे, और 3 खिलाड़ियों पे आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, जेक फ्रेजर मकरबक, क्रिस्टियन स्टब्स और अभिषेक पोखरियाल। इन 3 खिलाड़ियों पे आरटीएम का दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस्तेमाल करेगी। अगली टीम पंजाब किंग्स की टीम भी 3 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। टॉप प्रायोरिटी अर्शदीप सिंह 11 से 12 करोड़ रुपये में, 2 अनकैप्ड खिलाड़ी शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा 4-4 करोड़ रुपये में रिटेन होंगे। इसके अलावा जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा ना, उसमें 3 खिलाड़ियों पर आरटीएम का पंजाब किंग्स की टीम इस्तेमाल करेगी, जोनी बेस्टो, लियम लिविंगस्टोन और कगिसो रबाडा। इन 3 खिलाड़ियों को आरटीएम के थ्रू वापस अपनी टीम में सम्मिलित करने वाली है। अगली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स में भी रेस बन गई है, हाल बेहाल हो गया लखनऊ सुपर जायंट्स का। केएल राहुल को रिटेन नहीं कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स की रिपोर्ट्स, बहुत मजबूत मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि केएल राहुल रिटेन नहीं होने वाले। और केएल राहुल को देखो कप्तानी तो केएल राहुल की गई, अगर केएल राहुल रिटेन भी होंगे इब्सन बर्ड्स 1% संभावना ही बची है कि एलएसजी केएल राहुल को रिटेन करेगी। अगर रिटेन करती है तो केएल राहुल आईपीएल 2025 में एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कप्तान नहीं रहने वाले, इसीलिए केएल राहुल रिटेन नहीं होंगे। केएल राहुल एक नई टीम का दामन थामेंगे आईपीएल 2025 के अंदर, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम केएल राहुल को रिटेन नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि वो उनको कप्तानी के रूप में अब नहीं देखती है केएल राहुल की स्लो अप्रोच की वजह से। और लास्ट ईयर जब एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला था, जो एलएसजी के ओनर थे उन्होंने बहस भी करी थी केएल राहुल से, अब वो रिटेन नहीं करना चाहते। अब केएल राहुल से मूव फॉरवर्ड कर चुकी है एलएसजी की टीम, तो उनके भी 4 खिलाड़ियों को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम रिटेन करेगी। सबसे टॉप प्रायोरिटी के रूप में एलएसजी के लिए है निकोलस पुरन 18 करोड़ रुपये में। इसके अलावा दूसरी प्रायोरिटी में मयंक यादव को रिटेन करेगी, जो अभी भी रिसेंटली इंडिया डेब्यू करें, 150 की गति से गेंदबाजी कर सकते हैं, और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी एलएसजी की लिस्ट में है, रिटेंशन की लिस्ट में आयुष बदोनी और मोहसिन का। बाकी 2 खिलाड़ियों पे आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, मार्कस स्टोनिक्स और रवि बिश्नोई पे। अगली टीम चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किसी भी विदेशी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करेगी, 4 इंडियन खिलाड़ी रिटेन होने वाले। टॉप प्रायोरिटी में ऋतुराज गायकवाड़ 18 करोड़ रुपए में, रविंदर जडेजा 14 करोड़ रुपए में और सियोम दुबे 11 करोड़ रुपए में रिटेन होंगे। 4थे खिलाड़ी एमएस धोनी, क्या रिटेन होंगे या नहीं होंगे? काशी विश्वनाथन जो सीईओ है सीएसके के, जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि एमएस धोनी रिटेन होने वाले हैं या नहीं होने वाले, तब काशी विश्वनाथन ने कहा था कि एमएस धोनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया कि वो रिटेन होंगे या नहीं होंगे, वो 31 अक्टूबर को हमको बताएंगे कि मैं आईपीएल 2025 खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। मतलब 31 अक्टूबर से पहले एमएस धोनी सीएसके के सीईओ को कंफर्म कर देंगे कि वो आईपीएल 2025 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। अगर एमएस धोनी कंफर्म कर देते हैं तो 4थे रिटेंशन के रूप में एमएस धोनी रिटेन होने वाले हैं। अगर एमएस धोनी मना कर देते हैं तो सीएसके फिर 3 ही खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। फिर जब आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन होगा, तब मतीसा पतेराना और डेवेन कॉनवे, इन 2 खिलाड़ियों पे आरटीएम का इस्तेमाल करने वाली है। अब एमएस धोनी कन्फर्म करेंगे तो एमएस धोनी रिटेन होंगे, और एमएस धोनी कन्फर्म नहीं करते हैं तो एमएस धोनी रिटेन नहीं होने वाले। फिर एमएस धोनी के स्थान पर किसी और खिलाड़ी को रिटेन किया जाएगा या आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अभी तक एमएस धोनी ने ही कन्फर्म नहीं किया, परंतु सीएसके एमएस धोनी को रिटेन करना चाहती है। अभी एमएस धोनी के हाथ में है कि वो रिटेन होना चाहते हैं या नहीं चाहते,
आईपीएल 2025 खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगली टीम गुजरात टाइटंस की टीम 3 खिलाड़ी को रिटेन करेगी। टॉप प्रायोरिटी के रूप में शुभम गिल 18 करोड़ रुपए में, 14 करोड़ रुपए में राशिद खान और 11 करोड़ रुपए में मोहम्मद शमी रिटेन होंगे। तीन खिलाड़ियों पे आरटीएम का इस्तेमाल करने वाली है। वो तीन खिलाड़ी डेविड मिलर, राहुल तेवटिया और साई सुदर्शन। इन तीन खिलाड़ियों पे गुजरात गायंस की टीम आरटीएम का इस्तेमाल करेगी। अगली टीम सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद की जब लाइकली रिटेंशन की लिस्ट आई है, स्पेन किरकिनपो ने जब रिपोर्ट करी, वो खाली बचा के रख दिया भाई साहब। इन्होंने तो बोला कि हेनरी क्लासन 23 करोड़ रुपए में रिटेन होने वाले हैं। 23 करोड़ रुपए में रिटेन, यार ये क्या हो गया? फिर लोगों को समझ में नहीं आया कि 23 करोड़ रुपए में खिलाड़ी रिटेन कैसे हो सकता है। कैटेगरी तो 18, 14, 11 और 18, 14 यही कैटेगरीज है। तो जो 75 करोड़ रुपए में 5 खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो, छठा खिलाड़ी एक कैप्ड खिलाड़ी होना चाहिए। ये जो 75 करोड़ रुपए में 5 कैप्ड खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते हो, ये कैसे भी 5 खिलाड़ियों में आप डिवाइड कर सकते हो। इसलिए हेनरी क्लासन 18 करोड़ रुपए में टॉप प्रायोरिटी के रूप में SRH की टीम रिटेन करने वाली है। दूसरे रिटेंशन के रूप में पैट कमिंग्स रहेंगे। तीसरे रिटेंशन के रूप में अभिषेक शर्मा को रिटेन करेगी। और तीन खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल कर सकती है, रेवी सेठ और नीतीश रेड्डी, ये दो कन्फर्म नाम है। एक अनकैप्ड खिलाड़ी अब्दुल समद रहेगा जिस पर आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये SRH की टीम। अगली टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम भी 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। राजस्थान रॉयल्स की सबसे टॉप प्रायोरिटी है यशस्वी जायसवाल, टॉप रिटेंशन के रूप में रिटेन होंगे। दूसरे उनके कप्तान संजू सैमसन, तीसरे रियान पराग और चौथे ध्रुवे चोरेल। ये 4 खिलाड़ी तो रिटेन होंगे, बाकी 2 खिलाड़ियों पे यूजी चहल, और क्योंकि यूजी चहल को रिटेन नहीं करे तो यूजी चहल पे आरटीएम और संदीप शर्मा पे आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। और जोश पटलर को रीबाय करने की कोशिश करेंगे, आरटीएम और रिटेन नहीं करेंगे, रीबाय करेंगे ऑक्शन के अंदर। अगली टीम श्रेयस अय्यर वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। यहाँ पे भी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट सर्कुलेट कर रही है कि श्रेयस अय्यर को KKR की टीम रिटेन ना करे। आईपीएल 2025 में KKR की टीम में एक नए कप्तान देखने को मिला है KKR की टीम का, या श्रेयस अय्यर जिन्होंने आईपीएल 2024 की ट्रॉफी जिताई है। ठीक है, गौतम गंभीर का योगदान, अब गौतम गंभीर साथ छोड़ के इंडियन टीम के कोच बन चुके हैं, वो एक अलग डिबेट है। परंतु क्या आप कप्तान को जाने दोगे? अगर श्रेयस अय्यर ऑक्शन की टेबल पर आते हैं तो पंजाब किंग्स, RCB, इन दो टीमों को तो कप्तान की सख्त से सख्त जरूरत है, या और लखनऊ सुपर जायंट्स को भी कप्तान की जरूरत है। शुभम गिल ने गुजरात टाइटंस की कप्तानी के रूप में प्रभावित नहीं है, तो गुजरात टाइटंस को कप्तान की जरूरत है। 4 ऐसी टीमें हैं जिनको कप्तान की जरूरत है, श्रेयस अय्यर तो किसी भी टीम में जा सकते हैं। तो अभी एज ए रिपोर्ट्स के हिसाब से, अभी जो कन्फर्म रिपोर्ट है उसके हिसाब से श्रेयस अय्यर रिटेन होंगे। बाकी जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि श्रेयस अय्यर रिटेन नहीं होंगे, वो गलत ही चल रही है। तो टॉप रिटेंशन के रूप में श्रेयस अय्यर रिटेन होंगे, बाकी 2 रिटेंशन आंदर रसेल और सुनील रायन रिटेन होने वाले। इसके अलावा जो चौथा और फाइनल रिटेंशन होगा वो एक अनकैप्ड खिलाड़ी हर्षित राणा को रिटेन किया जाएगा। और 2 खिलाड़ियों पर वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, इस पर आरटीएम का इस्तेमाल होंगे। रिंकू सिंह रिटेन होंगे या आरटीएम का इस्तेमाल होगा या रीबाय किया जाएगा, इस पर कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। मोस्ट लाइकली रिंकू सिंह को रीबाय ही किया जाएगा, परंतु क्या रीबाय में रिंकू सिंह आपको सस्ते मिल जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। क्योंकि जो कन्फर्म और लाइकली जो रिटेंशन लिस्ट KKR की निकल के आई है उसमें रिंकू सिंह का नाम नहीं आ रहा है। वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, हर्षित राणा, अंदर रसेल, सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, इन 6 खिलाड़ियों का नाम आ रहा है। तो रिंकू सिंह को मोस्ट लाइकली रीबाय करने की कोशिश ये टीम करने वाली है। अगली टीम मुंबई इंडियंस की टीम। अब मुंबई इंडियंस भी 4 ही खिलाड़ियों को रिटेन करने वाली है। 2 खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल करेगी। टॉप प्रायोरिटी में जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ रुपये में, सूर्य कुमार यादव 14 करोड़ रुपये में, रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली 11 करोड़ रुपये में रिटेन होंगे। और चौथे रिटेंशन के रूप में हार्दिक पांड्या 18 करोड़ रुपये में रिटेन होने वाले हैं। और हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस के कप्तान रहेंगे, सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के कप्तान नहीं बनेंगे। 2 खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, आकाश मडवाल और नेहल वडेरा, एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर। अब जो भी खिलाड़ी इन दोनों में से मिलता है पर आरटीएम का इस्तेमाल होगा, और एक ईशान किशन पे आरटीएम का इस्तेमाल होने वाला है। टिम डेविड, पीयूष चावला, तिलक वर्मा, इनको रिटेन नहीं करेगी। हो सकता है कि ऑक्शन की टेबल पे दोबारा से रीबाय करने की कोशिश करे। अगली टीम और लास्ट टीम आरसीबी की टीम, जो भोखाली मचा के रख देती है, इनको भी कप्तान की जरूरत है। पहले मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि फेफ डुप्लेसिस शायद रिटेन ना हो, यार फेफ डुप्लेसिस को ये टीम शायद रिटेन ना करे, परंतु अब कन्फर्म हो चुका है। क्योंकि जैसे ही सेंट लुसिया किंग्स CPL के अंदर फेफ डुप्लेसिस ने सेंट लुसिया किंग्स को टाइटल जिताया ना, उसके बाद में ये कन्फर्म हो गया कि फेफ डुप्लेसिस तो रिटेन होने वाले हैं, पर 40 साल का फेफ डुप्लेसिस। परंतु TOI ने जो रिटेन रिपोर्ट किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, उन्होंने बोला है कि विराट कोहली RCB की कन्फर्म रिटेंशन है, विराट कोहली तो रिटेन होंगे ही होंगे। ये भाई साहब TOI भाई साहब, आप रिटेन नहीं भी रिपोर्ट करते ना तो भी सबको पता है कि विराट कोहली तो सबको ही पता है कि RCB रिटेन करेगी करेगी, ये तो कन्फर्म रिटेंशन है, इस पर कोई डिबेट ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है,
कोई ये तो बहस का ही क्वेश्चन नहीं है कि विराट कोहली रिटेन होंगी या नहीं होंगी, वो तो रिटेन होने ही होने वाले हैं आरसीबी के लिए। तो ये तो जो टीवाई ने रिपोर्ट किया कि कन्फर्म रिटेंशन में एकमात्र नाम विराट कोहली का, सबको पता है कन्फर्म। इसके अलावा दो खिलाड़ियों में एक फेफ डुप्लेसिस और मोहम्मद सिराज, इन दो खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा। तीन खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, विल जेक्स, रजत पाटीदार, और फाइनल जो रिटेन आरटीएम होगा वो होने वाला है यश दयाल, जिसको 5.5 करोड़ रुपए में आईपीएल 2024 के मेगा ऑक्शन में खरीदा था। और आईपीएल 2024 में यश दयाल ने सबको प्रभावित किया था। तो ये हो गई 10 टीमें, उनके रिटेन खिलाड़ी, आरटीएम इस्तेमाल करने वाले खिलाड़ी और रीबाय करने वाले खिलाड़ी। आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करिए, 31 अक्टूबर से पहले सभी 10 की 10 टीमों को अपनी रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट बीसीसीआई को सबमिट करवानी होगी। अब देखते हैं कि ये रिटेन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में कितना सरप्राइज देखने को मिलता है। बाकी आपको लगातार आईपीएल 2025 से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।